Hello dear students, once again welcome on your favorite Let's Scratch Neat UG, your one-stop solution for NEET. And this is our evening batch, vital batch, in which we just have started a complete course of biology for NEET 2022 as well as NEET 2023. And we have started with the चैप्टर ऑफ एनिमल किंगडम, जहां से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे. तो जल्दी जल्दी आ जाइए, सारे बच्चे जुड़ जाइए, सब लोग जल्दी जल्दी. अमीन भाई, मैं आपको बता दूं, मायसेल्फ डॉक्टर बकुलदेव, मैं जयपुर से हूं और मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर हूं. आई हैव बीन मेंटरिंग द स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम फॉर लास्ट 16 इयर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माई स्टूडेंट्स एक्चुअली गॉट सेलेक्टेड in various reputed medical colleges all over the India, and many of them secured very good ranks, and on six different occasions my students managed to secure AIR first, hai na, first AIR bhi students lekar ke. To main chahunga ki aap sab log bhi bahut achhi rank ke sath mein select ho, bahut 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 achhi rank ke sath mein select ho aur bahut acha score kare, aur main apna pura experience aap sab logon ke sath mein share kar, theek hai. चलिए आगे चलते हैं. ये टेलीग्राम चैनल सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लें तुरंत प्रभाव से, इमीडिएटली t.me/neetplacebo, क्योंकि जब इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारे के सारे नोट्स यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में, क्लास नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. चलिए, पवन हेलो बेटा, आदित्य हेलो. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए, नीट यूजी का मेगा कॉम्बैट ये होने वाला है आपका 25th of July, और 25th of July को आपको सारे बच्चों को इसमें अपियर होना है. टाइमिंग है 11 AM, 11 बजे ये स्टार्ट होगा नीट यूजी मेगा कॉम्बैट. और इसमें अपियर होने के लिए, अपने आप को एनरोल करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें. यहाँ फेबुलस प्राइजेस तो है ही, लेकिन आपको एक अपनी करंट स्टैंडिंग जो है, एक्चुअल पोजीशन जो है, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, ठीक है. बृहस्पति पटेल, गीता शंकर, आदित्य कुमार, पवन कुमार और बाकी सारे के सारे बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ सबके सब. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम. देखिए, हमने कल एनिमल किंगडम के बेसिक्स पढ़ना शुरू कर दिया था, आप लोगों को अगर याद हो. We already have started the basics of animal kingdom. और इसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली थी, मैं एक बार आप लोगों को याद दिलाए देता हूं. सौरभ दुबे कह रहे हैं, सर मुझे एक बात पूछनी थी आपसे. पूछो बेटा पूछो, क्या इश्यूज हैं? Habit, habitat हमने पढ़ लिया था. देखिए, aquatic habitat, terrestrial habitat, फिर terrestrial habitats में cursorial, fossorial, arboreal, scansorial, volant, aerial, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी. ये मैंने कल आपको images दिखाए थे, याद कीजिए. बेटा एनसीईआरटी प्लस क्लास नोट्स, यानी कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो प्लस एनसीईआरटी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ये चीजें एक्चुअली हम इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि आपके कुछ फंडामेंटल्स प्रॉपरली क्लियर हो जाएं. जब तक वो फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हुआ, आपके आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी. इनको समझना बेहद जरूरी है. ये देखो, ये सॉलिटरी है. ये कल सारी चीजें मैंने बताई थी आपको. आप लोगों को अगर याद हो, मैं फिर से लिख देता हूँ. इस ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या कह सकते हैं, या तो सॉलिटरी कह सकते हैं या इसे हम प्री लिविंग भी कह सकते हैं. दोनों ही टर्म इस्तेमाल होते हैं. ये आपके कॉलोनियल हैं, जो कॉलोनी बनाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी बनाते हैं. हनी भी दिखाई दे रहा है. ये आपके सेसाइल हैं या सीडेंटरी हैं, जिनमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता. शाबाश. ये आपके ग्रेगेरियस हैं, है ना, ये आपके ग्रेगेरियस है. चलिए अब आइए आगे. सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, तीन तरीके के बॉडी प्लान आपको कल मैंने बता दिए थे. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने आप लोगों से कल डिस्कस कर लिए थे. अब जो आज हमें चीज पढ़नी है, ब्लाइंड सेक, ट्यूब विद इन ट्यूब, ये सब पढ़ लिया. आज जो चीज हमें पढ़नी है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है सिमेट्री. अब ये सिमेट्री क्या चीज है, जरा समझो इसे. देखो, सिमेट्री का मतलब होता है जियोमेट्रिकल पोजीशनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स इन द बॉडी.
यानी कि आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी एग्जैक्ट पोजीशनिंग क्या है. व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन. कहने का मतलब, क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे आपकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. इज देयर एनी सच मेथड. और अगर वो मेथड है तो कौन सा है. अगर वो प्लेन एग्जिस्ट करता है तो वो कौन सा प्लेन है जिससे आपकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है ना. तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे. अभी देखिए, चार पॉसिबिलिटीज यहां नजर आ रही हैं आपको. एसिमेट्री, यानी कि किसी भी तरह से दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते. स्फेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री. मैं एक एक करके चारों आपसे डिस्कस करूंगा. आदित्य बेटा, ग्रेगेरियस का मतलब होता है जो झुंड बना के चले, है ना, बहुत बड़ा सारा झुंड बना के चले. और ये जो बहुत बड़ा सारा झुंड है, बहुत बड़ा सारा ग्रुप है, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड. इसमें कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये एक भीड़ है बेसिकली. जैसे आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में या पंजाब में या राजस्थान में टिड्डी दल ने अटैक किया और टिड्डी दल पूरी की पूरी फसलों को चौपट कर गए, उनको खा गए. तो ये जो टिड्डियों का दल आता है जिसमें हजारों लाखों टिड्डे होते हैं, वो सारे की सारी फसलों को खराब कर देते हैं. दैट इज ग्रेगेरियस. उसको कॉलोनी नहीं कहते. कॉलोनी तो ऑर्गेनाइज्ड होती है, जिसमें किसी का काम स्पेसिफाइड होता है, कोई वर्कर भी होता है, कोई कुछ होता है, ठीक है ना. चलो, हाँ, बस मैं हैंड रिटन पे आ रहा हूं बेटा, चिंता ना करो. सबसे पहले बात करेंगे एसिमेट्री की. एसिमेट्री के कुछ एग्जांपल देता हूं आपको. देखिए, सबसे पहला एग्जांपल लीजिए प्रोटोजोआ के ज्यादातर मेंबर्स, जैसे कि मैं यहां एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके लिए, दैट इज अमीबा. है ना, अमीबा को आप किसी भी तरीके से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते. और एक एग्जांपल बनाता हूं आपके लिए, दिस इज स्पंज. ये स्पंज है, किसी भी तरह से बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे आप. किसी भी एक्सिस से, किसी भी एंगल से काटने की कोशिश कर ले, इट डजंट मैटर एट ऑल. अब बाकी के मैं इमेज ना बना के केवल नाम लिखे देता हूं, यानी कि प्रोटोजोन्स और पोरीफेरन्स तो हो ही गए. इनके अलावा एक ग्रुप होता है गैस्ट्रोपोडा. गैस्ट्रोपोडा यानी कि जिसमें कौन इंक्लूड किया जाता है बेटा, इनके नाम याद रखने हैं सबको, स्नेल फॉर एग्जांपल. इसी तरीके से एक ग्रुप होता है आपका यूरोकॉर्डेटा, जिसमें आपका हर्डमेनिया इंक्लूड होता है. तो भैया, ये जो है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आपके कैसे हैं, एसिमेट्रिकल. यानी कि इनकी बॉडी को आप किसी भी तरह से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते. कोई बात नहीं, नहीं है तो स्फेरिकल. मैं बता रहा हूं ना आपको, स्फेरिकल सिमेट्री तो होती ही है, वो चाहे एनसीईआरटी में गिवन है या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू. सो डू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. आदित्य, थोड़ा सा वेट करो, सारी चीजें बता रहा हूं. एसिमेट्री का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया. मैं यहां फाइनली एक चीज मेंशन कर देता हूं, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ्स. Body cannot be divided in two equal halves by any plane. That is asymmetry. This is the condition of asymmetry. तो asymmetry तो समझ में आ गई सबको बेटा. Clarity है सबको asymmetry में, कोई परेशानी तो नहीं. Yes or no? जल्दी से जवाब दो, शाबाश. फिर हम आगे चलेंगे.
रिस्पॉन्ड फास्ट। मैं फाइलम याद करने की टेक्निक्स भी बताऊंगा, एक मिनट रुक जाओ। अब आ गया, आगे है आपका स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री बड़ा रेयर पैटर्न है सिमेट्री का, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपने कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म देखा ही नहीं होगा जो कि गोल हो, है ना। गोल ऑर्गेनिज्म यूजुअली नहीं। इट इज रेयर पैटर्न ऑफ सिमेट्री, पॉइंट वन। पॉइंट टू, इट इज फाउंड इन सर्टेन प्रोटोजोन। कुछ प्रोटोजोन्स में ये सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, और वो प्रोटोजोन्स कौन से हैं बेटा? एग्जाम्पल ग्लोबिजेराइना। अब अगर मैं यहां एग्जाम्पल बनाऊं आपके लिए, इमेज बनाऊं एक्टिनोप्रिस्का या ग्लोबिजेराइना का, तो ये ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से गोल होंगे, है ना। और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म गोल है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी बॉडी को, यानी बॉडी टर्म तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस ऑर्गेनिज्म को अगर दो इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है बेटा, तो इसको हम किसी भी प्लेन से काट दें, व्हाट एवर द प्लेन इज, द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट दिस प्लेन शुड पास थ्रू द सेंटर। आप किसी भी प्लेन से इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बोलो यस और नो। द ओनली रिक्वायरमेंट इज द प्लेन मस्ट पास थ्रू, प्लेन मस्ट पास थ्रू सेंटर। क्लियर? क्लैरिटी है सबको? स्फेरिकल सिमेट्री में कोई परेशानी नहीं है? और आदित्य कह रहे हैं प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा, सिंगल सेल्ड, जैसे अमीबा, जैसे युगलीना, है ना, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, जो बहुत पहले बहुत शुरुआती तौर पर इवॉल्व हुए, उन सबको क्या कहते हैं? प्रोटोजोन्स। तो ये स्फेरिकल सिमेट्री हो गई। आगे आते हैं बेटा रेडियल सिमेट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिमेट्री है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिमेट्री इज द रेडियल सिमेट्री, करेक्ट। आइए रेडियल सिमेट्री समझते हैं। रेडियल सिमेट्री समझने से पहले आपको एक चीज बता दूं, रेडियल सिमेट्री जिनमें होती है वो दो तरह के दिखाई दे सकते हैं ऑर्गेनिज्म, दोनों को ध्यान से देखिएगा। मैं यहां दो एग्जाम्पल आपके लिए बना रहा हूं, हैव अ लुक। फर्स्ट इज दिस, यानी कि बॉडी कैसा दिखाई दे रहा है बेटा आपको? ये बॉडी कैसा दिखाई दे रहा है? सिलेंड्रिकल, इट इज सिलेंड्रिकल। एक और बनाता हूं यहां, ये बॉडी कैसा दिखाई दे रहा है भैया? अम्ब्रेला शेप्ड, यानी या तो बॉडी सिलेंड्रिकल है या तो अम्ब्रेला शेप्ड है। अब जरा इनकी एक्सिस और देख लो एक बार जल्दी से, अगर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस आपको बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? यही बनाएंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस अगर बनाएंगे तो यही बनाएंगे, बोलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा कि नहीं, यस और नो, जल्दी से जवाब दो। तो जिनमें रेडियल सिमेट्री होगी वो ऑर्गेनिज्म या तो सिलेंड्रिकल दिखाई देंगे या तो आपके अम्ब्रेला शेप दिखाई देंगे। अब ये सिमेट्री रेडियल कैसे है, जरा इस बात को समझिएगा, हाउ दिस सिमेट्री इज रेडियल। इस ऑर्गेनिज्म को अगर हमें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ध्यान से सुनिएगा, तो अलोंग द रेडियस, सुनिए ध्यान से, अलोंग द रेडियस कोई भी प्लेन हो, या तो ये वाला प्लेन, या तो ये वाला प्लेन, या तो ये वाला प्लेन, कोई भी प्लेन हो सकता है, बट दैट प्लेन शुड बी अलोंग द रेडियस, ये रेडियस के अलोंग होना चाहिए। इसको अगर आपको डिवाइड करना है तो भी वही बात है, प्लेन शुड बी अलोंग द रेडियस लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस। ये देखिए, अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग कोई भी प्लेन इस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा।
रेडियस के अलोंग कोई भी प्लेन इस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, इस वजह से ये सिमेट्री हमारी क्या कहलाई बेटा, इस सिमेट्री को हमने क्या कहा, रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री में भी ये जो पैटर्न आप लोग देख रहे हैं ना, ये पैटर्न है सिंपल रेडियल सिमेट्री, साधारण है ना, सिंपल रेडियल सिमेट्री। इस ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता कोई ऑर्गेनिज्म आपने देखा है, अगर मैं इससे मिलता जुलता कोई ऑर्गेनिज्म बनाना चाहूं बेटा तो क्या बनाऊंगा, मैं यहां बना दूंगा आपके लिए, ये देखिए ये मैंने एक ऑर्गेनिज्म आपके लिए बना दिया, हाइड्रा। हाइड्रा ऐसा ही दिखता है लगभग लगभग, इससे कंपेयर कर सकते हो ना, मैंने सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बना दिया है लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है। इससे मिलता जुलता कोई ऑर्गेनिज्म अगर आपको देखना हो तो आप क्या देखेंगे, इससे मिलता जुलता ऑर्गेनिज्म भी आपको दिखाई देगा, दैट इज जेलीफिश। बोलो यस और नो, हाइड्रा और इधर आपको दिखाई दे रहा है जेलीफिश, इन दोनों में ही आपकी सिमेट्री कैसी है बेटा, द पैटर्न ऑफ सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, इस सिमेट्री में ऐसी क्या खास बात नजर आ रही है आपको जो कि आपकी इसमें नहीं है, हैव अ लुक। ये आपने देखा स्फेरिकल सिमेट्री यानी कि गोल है बॉडी, जैसे फुटबॉल होता है, क्रिकेट का बॉल होता है, हॉकी का बॉल होता है, कोई भी गोल चीज हो, एक तो ये गोला है आपके पास और एक आपके पास में ऐसा कोई शेप है, या तो सिलेंड्रिकल या तो ऐसा। इस शेप में क्या खास बात आ गई है ऐसी, मेरे कहने का मतलब है कि रेडियल सिमेट्री का एडवांस्ड फीचर क्या है, व्हाट इज द एडवांस्ड फीचर ऑफ रेडियल सिमेट्री, दैट इज माय क्वेश्चन। तो आप जब गौर से देखेंगे तो ये जो आपको बॉल दिखाई दे रहा है पिछले स्लाइड पे, इस बॉल में क्या है, इसको कहीं से भी देख लो, चारों तरफ से बॉल तो एक ही जैसा है, नो चेंज, चारों तरफ से एक ही जैसा है बॉल। लेकिन जब आप इसको देखेंगे, व्हेन यू विल विजुअलाइज दिस, व्हेन यू विल सी दिस, जस्ट अ मिनट, when you will visualize this, then you will come to know that exactly there are two definite ends, yahan do definite ends ban gaye hain, aur ye jo definite ends ban gaye hain beta, in definite ends ko hum kya kehte hain, gastropoda to classification mein nahi tha, parth ruko beta thoda sa abhi samjha, ek minute ruko, kon kon bache hain dekho, soumya yadav, parth, श्रवण, आपका प्लेसेबो सीरीज, प्लेसेबो बेटा मैंने 1.5 साल पहले पढ़ाया था, अभी इसको फॉलो करो, श्रवण अभी इसको फॉलो करो, और कौन कौन है बेटा, डॉक्टर सक्षम, आदित्य, सौरभ, श्रवण, आदित्य और बाकी सब बच्चे। अब सुनो ध्यान से देखो, इसमें खास बात क्या है, व्हाट इज द पिक्यूलैरिटी ऑफ दिस सिमेट्री, ध्यान से देखो जरा, इसमें खास बात यह है कि इसमें पोलैरिटी आ गई है, सुनना ध्यान से, इसमें दो डेफिनेट पोल्स डेवलप हो गए हैं। तो रेडियल सिमेट्री में खास बात क्या आई, पोलैरिटी डेवलप्ड, और पोलैरिटी कैसे डेवलप हुई, एक तो ये वाला सिरा है जिस तरफ माउथ होता है, तो जिस तरफ भी माउथ प्रेजेंट होगा, ये आपका माउथ वाला जो सिरा है, जिस तरफ भी माउथ प्रेजेंट होगा उस सिरे को हम क्या कहेंगे बेटा, इधर वाला सिरा कहलाएगा आपका ओरल एंड, दिस इज योर ओरल एंड, एंड दिस विल बी नोन एज एबोरल एंड, है ना, इसमें दो सिरे बन गए, ओरल एंड एबोरल। यहां उल्टा होगा मामला क्योंकि इसमें मुंह नीचे की तरफ आ गया, इसका मुंह कहां होगा, यहां होगा, तो इसमें ओरल एंड नीचे की तरफ होगा, ओरल एंड नीचे की तरफ और एबोरल एंड ऊपर की तरफ, तो यहां आपके पोलैरिटी आ गई, पोलैरिटी आ गई तो दो एंड बन गए, टू डेफिनेट एंड्स,
just a minute, two definite ends are formed. Okay, two definite ends are formed. One is oral end and another is aboral end. One is oral end and another is aboral end. ये याद रहे कि जब हम कहते हैं oral end, इसका मतलब इस end पर mouth present है, लेकिन जब हम कहते हैं aboral end, तो इसका मतलब ये नहीं है उस पर anus हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि organism ऐसे होते हैं जिनमें ये वाला हिस्सा जो है इस पर कोई aperture होगा ही नहीं. For example, hydra में देखिए, इसमें देखिए, opposite side में कोई aperture होता ही नहीं. Now simple radial symmetry सबको clear है. पोलैरिटी का मतलब होता है ध्रुवता. बेटा सुनो, पोलैरिटी का मतलब जिसमें दो सिरे बन जाए, जैसे आप देख रहे हैं हमारा आगे वाला सिरा, पीछे वाला सिरा, पोल्स डेवलप हो गए, वो पोलैरिटी, एक एंड ये वाला, एक एंड ये वाला. अब इस सिमेट्री की खास बात क्या है, इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है, सुनिए. पोलैरिटी डेवलप होने की वजह से ये ऑर्गेनिज्म इधर वाले सिरे से, इस एंड से अपने आप को कहीं पे चिपका सकते हैं, और ये वाला सिरा इनका फ्री रह सकता है, इसके ऊपर से वाटर फ्लो करेगा, उस फ्लोइंग वाटर से ये फूड पार्टिकल्स को पिक कर सकते हैं. तो ये सवाल कम से कम 5-6 बार पूछा गया है कि भाई रेडियल सिमेट्री कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होता है. आप सारे बच्चों को याद रखना है अच्छे से, दैट दिस सिमेट्री इज बेनिफिशियल फॉर सेसाइल एनिमल. दिस सिमेट्री is beneficial for sessile organisms. जिनमें movement बिल्कुल भी नहीं होता, उनके लिए ये symmetry highly beneficial होता है. ठीक है साहब, एक बार सारे बच्चे give me a thumbs up. अगर आपको ये समझ में आ गया है तो जल्दी से एक thumbs up दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, आगे वाली चीज समझाता हूं आपको. आदित्य कह रहे हैं सेसाइल का क्या मतलब है. बेटा कल वाला लेक्चर जो है रिकॉर्डेड, उसे जरूर 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 देखो. सेसाइल का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी सबस्ट्रेटम से चिपका रहे, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, है ना. गुणस्वरूप, अंजलि, पार्था, पवन कुमार, सौरभ, डोलसी शर्मा, अनिरुद्ध जाधव, राहुल, रितिका, सौरभ, अंजलि चौहान, सौम्या, रकीबुल इस्लाम, कृतिका, ज्योति, निक वर्मा और बाकी सारे बच्चे, शाबाश. अब इसके मॉडिफिकेशन पर चलते हैं. देखिए सिंपल, ये तो सिंपल रेडियल सिमेट्री है. रेडियल सिमेट्री का पहला मॉडिफिकेशन क्या आता है, बाई रेडियल सिमेट्री. अब बाई रेडियल सिमेट्री में क्या होता है देखिएगा, मैं दो एग्जाम्पल आपके लिए बनाता हूं. सबसे पहला एग्जाम्पल तो यहां बनाते हैं ये कि ऑर्गेनिज्म तो आपका सिलेंड्रिकल ही है. देखिएगा जरा, दिस इज मोर और लेस सिलेंड्रिकल, लेकिन अब इसमें कुछ और एडिशनल चीजें भी आ गई हैं. इसका जो माउथ है ये मान लीजिए स्लिट शेप्ड है इस तरीके का, और अंदर भी कुछ चीजें हैं ऐसी जिसकी वजह से अब इसको अगर हमें डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में, तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का बस एक ही मेथड हमारे पास बचता है कि या तो हम इसको इस वाले एक्सिस पर काट पाए. सुनिएगा ध्यान से, इधर ऑन दिस एक्सिस और ऑन दिस एक्सिस, इसके अलावा कोई और एक्सिस हमारे पास अवेलेबल नहीं है. ओनली टू एक्सिस आर देयर, तो इसे हम कहेंगे बाई रेडियल सिमेट्री. अलोंग द रेडियस ओनली टू एक्सिस. दूसरा एग्जांपल बनाता हूं आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बाहर से तो दिखाई देता है गोल, देखिएगा जरा. अभी ऑर्गेनिज्म तो आपको गोल दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, इस ऑर्गेनिज्म में यहां इस जगह एक ओपनिंग है और अंदर की तरफ एक सिलेंट्रॉन के जैसा स्ट्रक्चर है. ये सिलेंट्रॉन जैसा स्ट्रक्चर आगे जाके बाइफरकेट होता है लाइक दिस, और फिर ये दो एपर्चर यहां और बनते हैं, ये अंदर की तरफ. इसको थोड़ा सा थ्री डायमेंशन में इमेजिन करने की कोशिश करें. तो अब इसे भी अगर हमें काटना है दो इक्वल पार्ट्स में, तो या तो हम इसको यहां से काटें, जस्ट अ मिनट, या तो हम इसको यहां से डिवाइड करें,
ईदर फ्रॉम दिस पॉइंट और फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। ये दो ही प्लेन हमारे पास बचते हैं जिससे कि इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म मैंने बनाया है बेटा यहां, इस ऑर्गेनिज्म का नाम है सी एनिमोन। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मतलब इससे रिजेंबल करता हुआ ये नाम अच्छे से याद कर लें, बायरेडियल सिमेट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और दूसरा मेंबर्स ऑफ टीनोफोरा, टीनोफोरा जिसमें कॉम्ब जेली वगैरह इंक्लूड किए जाते हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो गए, है ना। तो ये आपके बायरेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल हो गए। बायरेडियल सिमेट्री का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, मैं लिखे देता हूं, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म कैन बी कट इन टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली टू प्लेन्स अलोंग द रेडियस पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। तो अब मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि बायरेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है। दोनों एग्जाम्पल याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में सीधा सवाल पूछा गया है कि बायरेडियल सिमेट्री किसमें एग्जिस्ट करता है। अभी एक बार सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा, बात अच्छे से समझ में आ गई है या नहीं आप लोगों को, प्लीज रिस्पॉन्ड। सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे, सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, कल वाले नोट्स आप लोगों को मिल गए थे कि नहीं, जरा ये बताइए। कल जो हैंड रिटन नोट्स मैंने भेजे थे वो आप सबको मिल गए थे कि नहीं। आदित्य कह रहे हैं सी कुकुम्बर क्या होता है, अरे भैया सी कुकुम्बर अभी पढ़ेंगे, एकाइनोडर्मेटा में आएगा, चिंता ना करो चिंता ना करो, सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर ये फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए ना अच्छे से तो सब्जेक्ट पूरा ग्रिप में आ जाएगा। और ये पोर्शन एग्जैक्टली ऐसा है जिसको कि समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। चलिए अब रेडियल सिमेट्री के तीसरे पैटर्न पर आते हैं, दैट इज पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपके लिए यहां एक डायग्राम बनाता हूं पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री का, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। ये आपका पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री में, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक है। अब ये आपका स्टार फिश में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए स्टार फिश का एक आर्म हो गया, ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा और ये पांचवा। स्टारफिश ऐसा ही दिखाई देता है, ये तो आप जानते हैं सारे बच्चे। अब मान लो इसे हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सुनिएगा बच्चों ध्यान से, इसके लिए प्लेन्स बनाते हैं। चलिए इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, ये सेंटर है इसका, मैं प्लेन्स मेंशन करूंगा यहां पे, देखिएगा सब। This is the first plane. Equal parts में divide हो रहा है कि नहीं, बोलो yes and no, yes or no, yes or no, yes or no. Equal parts में divide हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। This plane equal parts में divide हो रहा है कि नहीं, आधा इधर, बिल्कुल हो रहा है। Then third is this one, आधे हिस्सों में divide हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। चौथा ये वाला और पांचवा ये वाला, ये लीजिए साहब। अब ये अलोंग द रेडियस कितने प्लेन हो गए हमारे पास, पांच। और इन पांच प्लेन से हम इस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट। तो ऐसी सिमेट्री हमारी क्या कहलाई बेटा, दिस सिमेट्री इज नोन एज पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री।
या सिंपल लैंग्वेज में कह दे पेंटा रेडियल सिमेट्री, ये भी रेडियल सिमेट्री का ही एक मॉडिफिकेशन है, ये भी रेडियल सिमेट्री का ही एक एग्जाम्पल है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझेंगे इसे। हम क्या लिखेंगे बेटा यहां, हम लिखेंगे ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ्स बाय फाइव प्लेन्स along the radius and passing through the center। बोलो समझ में आई कि नहीं बात। पांच planes हैं along the radius and passing through the center, और इसके example में क्या आ गया भैया, इसके एग्जाम्पल में आ गया एकाइनोडर बेटा। बोलो भाई रकीबुल इस्लाम, अभी बता रहा हूं बेटा फिश में। अच्छा एक काम करो, देखो चीजें अच्छे से समझ में आ रही है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, हमारे पास प्रॉपर टाइम है क्योंकि हम नीट 2022 में अपियर होने वाले हैं और नीट 2023 में अपियर होने वाले हैं। इन ईदर ऑफ द केस वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। तो हमें करना क्या है, एक एक फंडामेंटल को अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। वी आर नॉट इन अ हरी, अभी हमारा जोर किस पर है, सारे फंडामेंटल्स को अच्छे से समझें, चीजों को ग्रेस्प करें और ये कोशिश करें कि हमारा कॉम्प्रहेंशन सब्जेक्ट को लेकर के बढ़े, वो ज्यादा जरूरी है। बाद में हम स्पीड पकड़ेंगे, चार पांच या छह महीने के बाद हम स्पीड पिक कर लेंगे, फिर हम वन डे वन चैप्टर भी कर सकते हैं, हम क्विज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त हमारे लिए जरूरी है चीजों के फंडामेंटल्स को क्लियर करना। फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर इस स्टार फिश को आपको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको पांच प्लेन्स ऐसे मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। देयर आर फाइव डिफरेंट प्लेन्स, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। लाइक कर दिया है बेटा सेशन सभी ने, सारे बच्चों ने लाइक कर दिया है कि नहीं कर दिया है, बोलो जल्दी से बोलो, शाबाश। अभी देखो मेरी बात सुनो सारे के सारे बच्चे ध्यान से। पॉइंट वन, जैसा मैंने तुम सब लोगों से कमिट किया था, इन लेक्चर्स के साथ तुमको क्या क्या मिलेगा एनसीईआरटी के माइंड मैप, इलेवेंथ के जितने भी माइंड मैप हैं एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के, वो कल मैंने ग्रुप पर अपलोड कर दिए हैं, आज वापस से कर दूंगा अगर किसी को नहीं मिले हैं तो। पॉइंट वन। दूसरा, मैंने आप लोगों से कमिट किया था आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स कल की क्लास के मैंने बाकायदा पोस्ट कर दिए थे ग्रुप के ऊपर, सारे बच्चों को मिल गए होंगे। तीसरा, मैंने आपसे कमिट ये किया था कि हम वीकली कम से कम दो बार आपके क्विज सेशन के लिए और कम से कम एक बार डाउट सेशन के लिए मिलेंगे, तो वो मैं वाया स्पेशल क्लासेस ऑर्गेनाइज करूंगा, है ना, वाया स्पेशल क्लासेस में उसको मैनेज करूंगा, करेक्ट। तो आपको बस इस ग्रुप के साथ कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करनी है, क्लासेस को मिस नहीं करना है ना। 8 बजे का अगर हमारा टाइम है तो शार्प 8 o'clock आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है। बायोलॉजी आपको कंप्लीट मैं करवाऊंगा, दैट इज माय कमिटमेंट, दीज आर माय वर्ड्स, तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन जब क्लास में आ जाएं तो आप क्लास में प्रेजेंट रहे। हम बहुत लंबा सेशन कर भी नहीं रहे हैं अभी, बिकॉज दीज आर द इनिशियल क्लासेस, तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, 40 मिनट 45 मिनट का सेशन, कभी 50 मिनट का हो जाए, बट यूजली 40 to 50 मिनट का सेशन, जिससे आपको उतना ही कंटेंट मिले जिसको आप एक बार ग्रेस्प कर सके, समझ सके, है ना। बाइलेटरल सिमेट्री समझ में नहीं आया, कौन बोल रहा है भैया ये, आदित्य कुमार कह रहे हैं बाइलेटरल सिमेट्री हमें समझ में नहीं आया। अब मजे की बात देखिए, बाइलेटरल सिमेट्री तो मैंने अभी पढ़ाई ही नहीं है बेटा, मैंने तो अभी तुमको केवल रेडियल, बाइरेडियल और पेंटामेरस रेडियल पढ़ाई है, मैंने बाइरेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री पढ़ाया ही नहीं बेटा,
जब पढ़ाया ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा। चलो अब पढ़ते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब आप अपनी बॉडी को देखें, आपको अगर अपनी बॉडी को दो इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करना है बेटा तो आप कैसे करेंगे, आप यहां से काट दीजिए बीच में से, तो राइट लेटरल हाफ लेफ्ट लेटरल हाफ। मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाए देता हूं यहां जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सपोज एक डायग्राम हम ड्रॉ करें, ये लीजिए, ये मैं आपके लिए कॉकरोच का एक डायग्राम बना देता हूं। चलिए यहां ऐसा दिखाई देता है भाई कॉकरोच, ये कॉकरोच के कंपाउंड आइज हैं, आप जानते हैं सारे के सारे। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है, केवल बॉडी का एक अपीयरेंस समझ में आ जाए इतना बना रहा हूं, है ना। और फिर कॉकरोच के ये सेगमेंट्स हैं बॉडी के, पहला थोरेसिक सेगमेंट, दूसरा थोरेसिक सेगमेंट, तीसरा थोरेसिक सेगमेंट। अब बाकी चीजें तो मैं नहीं बना रहा हूं डिटेल में, लेकिन कम से कम लेग्स तो बना ही सकते हैं। ये लीजिए थ्री पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, थ्री पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। अब आपको इस कॉकरोच को अगर दो हिस्सों में डिवाइड करना है बेटा तो आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, आपके पास में केवल एक प्लेन अवेलेबल है और वो है ये, इसके अलावा कोई प्लेन नहीं है ना। इस प्लेन को कहते हैं मिड सेजिटल प्लेन, करेक्ट। सो देयर इज ओनली वन प्लेन थ्रू विच बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ, केवल एक ही प्लेन है हमारे पास जिससे हम बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट। और ये जो प्लेन है इसे हम कहते हैं मिड सेजिटल प्लेन। और अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं तुमको ये बताता हूं कि एग्जैक्टली ये सिमिट्री कहां से कहां मिलती है। पहले तो मैं लिख दूं, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन एंड दिस वन प्लेन इज नोन एज मिड सेजिटल प्लेन। है ना, ये मिड सेजिटल प्लेन हो गया, करेक्ट। और ये किस किस में मिलता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल इसके तो याद रखिए इसके लगभग सारे फाइलम हैं। जैसे मैं कहूं प्लेटी हेलमेंथीज से ये स्टार्ट होता है, एसके हेलमेंथीज में भी होता है। प्लेटी हेलमेंथीज का मतलब जिसमें टेपवर्म आता है, एसके हेलमेंथीज जिसमें एस्कैरिस आता है। एनेलिडा में भी यही सिमेट्री होती है जिसमें अर्थवर्म आता है। आर्थ्रोपोडा में भी यही सिमेट्री होती है जिसमें आपका कॉकरोच आता है। फिर उसके बाद आइए आगे, मॉलस्का में भी यही सिमेट्री होती है। एकाइनोडर्मेटा में ये सिमेट्री नहीं होती, पेंटामेरस रेडियल हो जाती है जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन उसके बाद हेमिकॉर्डेटा में भी यही सिमेट्री है और कॉर्डेटा में भी यही सिमेट्री है। अब आपको खास बात क्या याद रखनी है, बाइलेटरल सिमेट्री के साथ पता है क्या अपीयर होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था तुम लोगों को। यहां आओ मुझे ये बताओ जरा, इस सिमेट्री के साथ हमने क्या डेवलप क्या डिस्कस किया था कि भैया दो डेफिनेट एंड बन गए, एक ओरल एंड एक अबोरल, पढ़ा कि नहीं, ओरल एंड अबोरल एंड, टू डेफिनेट एंड्स आर प्रोड्यूस्ड इन रेडियल सिमेट्री। लेकिन 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 यहां क्या डेवलप हुए बाइलेटरल सिमेट्री में, यहां डेवलप हुए सरफेसेस, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, ये सरफेसेस इससे पहले हमारे पास नहीं थे। तो हम ये लिखेंगे दैट सरफेसेस अपीयर इन दिस सिमेट्री, इस सिमेट्री में आपके सरफेसेस अपीयर हो गए। और अगर सरफेसेस अपीयर हो गए तो आपके सर्वाइवल के चांसेस और बढ़ गए।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बेटा, देखो सुनो, सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो जल्दी से, है ना। जिन जिन बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया, डू लाइक द सेशन इमीडिएटली। देखो एसिमेट्री का एग्जांपल यहाँ पर भी देख लो, ये स्पंज दिख रहा है आपको एसिमेट्री। अभी कोई एक चीज और समझाओगे, स्फेरिकल सिमेट्री तो मैंने बता ही दिया, इसको देखोगे तो शायद रेडियल सिमेट्री और अच्छे से समझ में आ जाए। इस डायग्राम से ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों को डेवलप हो जाए। ये पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, ये पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, ये बाइलेटरल सिमेट्री, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टू इक्वल लेटरल हाफ्स डेवलप हो गए, सरफेसेस अपीयर हो गए। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं इन सारी सिमेट्रीज को पढ़ने के बाद, अगर मैं आपसे ये पूछूं, सपोज अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, क्वेश्चन विच सिमेट्री इज 100% परफेक्ट सिमेट्री, देखें कौन जवाब देता है। क्वेश्चन पढ़िए, विच सिमेट्री इज 100% परफेक्ट सिमेट्री, कौन सी सिमेट्री आपकी 100% परफेक्ट सिमेट्री होती है? जवाब दो भैया, जवाब दो, जल्दी से जवाब दो, देखें कौन जवाब देता है, देखें कौन जवाब देता है। भैया मुझे पता था, मुझे पता था आप यही जवाब देंगे। कुछ बच्चों ने स्फेरिकल जवाब दिया है, कुछ ने बाइलेटरल जवाब दिया है। अब जरा जवाब सुनिए इसका, आंसर नो सिमेट्री इज 100% परफेक्ट, कोई ऐसी सिमेट्री है ही नहीं जिसको आप 100% परफेक्ट बोल दें। क्यों? 100% परफेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है कि जब आप बॉडी के दो इक्वल हाफ्स करें वो 100% आइडेंटिकल हो एक दूसरे के। आप अपने खुद की बॉडी को ही देख लीजिए, जब आप बॉडी को यहां से काटेंगे तो राइट हाफ में लिवर आ जाएगा, क्या लेफ्ट हाफ में लिवर आएगा? नहीं, इधर होता ही नहीं है लिवर। लेफ्ट हाफ में स्टमक आ जाएगा, स्प्लीन आ जाएगा, वो इस तरफ नहीं आ पाएगा, है कि नहीं? तो 100% परफेक्ट सिमेट्री होने के लिए, 100% परफेक्ट सिमेट्री होने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स पेयर्ड। अब दूसरी जरूरत क्या है, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स न केवल पेयर्ड हो बल्कि इक्वल डिस्टेंस पर हो, प्रिंसिपल एक्सिस से या सेंट्रल एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हो, तब जाके कोई सिमेट्री 100% परफेक्ट सिमेट्री कहलाएगी। और ये तो कहीं पर भी नहीं होता, नो वेयर, किसी ऑर्गेनिज्म में ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कोई सिमेट्री 100% परफेक्ट सिमेट्री हो जाए। बोलो भाई, क्लियर है ना सबको सिमेट्री का? अब सिमेट्री में कभी गड़बड़ तो नहीं करोगे? जो भी हमने सिमेट्रीज पढ़ी है यहां पे, उनको पढ़ने के बाद कभी परेशानी तो नहीं आएगी सिमेट्री में? रेडियल सिमेट्री है, चाहे बाइलेटरल है, चाहे बाइरेडियल है, चाहे पेंटामेरस है, चाहे ए सिमेट्री है, परफेक्टली क्लियर होने चाहिए सारे फंडामेंटल्स, हमें अच्छे से समझ में आने चाहिए। क्लियर? शाबाश। चलो अभी देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, तुम सब लोगों ने लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं टेलीग्राम पर? एक बार मेरे को सारे बच्चे एक पोलिंग दो, लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल कितने बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है या किसने नहीं कर रखा, चलो ये बता दो। मैं केवल इस वजह से ये बात जानना चाह रहा हूं कि अभी मैं ये नोट्स पोस्ट करूंगा वहां, है ना, विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट। ये जो भी डायग्राम्स हमने बनाए हैं, ये जितनी भी चीजें आज हमने क्लास में लिखी हैं, मैं ये चाहता हूं कि आज ही आपके पास ये पीडीएफ फॉर्मेट में पहुंचे और आज ही आप इनको पढ़ लो और ये आपके पास सेव भी रहे, स्टोर्ड भी रहे। उसके लिए मुझे ये जानना है कि आप लोगों ने लेट्स क्रैक नीट यूजी का टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से कर लीजिए,
क्योंकि मैं अब ये पोस्ट करने वाला हूँ आपको तुरंत। इसमें दो तीन चीजें और बच गई थी, जैसे कि हमें सेगमेंटेशन का टॉपिक और पढ़ना था, लेकिन अब ये सेगमेंटेशन का टॉपिक जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे कल वाले लेक्चर में। आज का लेक्चर हम यहीं कंक्लूड करेंगे। मीन वाइल मैं आपको ये बताता चलूं सारे बच्चों को कि 2 साल और 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर इस वक्त सबसे अच्छा ऑफर चल रहा है। आप लोग अगर देखिए, मैं नोट्स जब तक पोस्ट नहीं कर दूं कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, है ना। आप लोग अगर अभी 2022 के लिए अपियर हो रहे हैं तो ये वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए, 2023 के लिए अपियर हो रहे हैं ये वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए, और कीप इट एज माय वर्ड, ये मेरे वर्ड्स हैं आपको। अगर आपको लगता है कि आई एम सिंसियर इनफ टू गिव समवन माय वर्ड्स, तो आप इस बात को मान के चले कि इससे बेहतर आपको और कोई भी किसी भी पोर्टल पर कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड दे आर क्वाइट रीजनेबल इफ वी ट्रांसलेट देम इनटू मंथली बेसिस, द ओवरऑल कॉस्टिंग कम्स अराउंड 2,000 rupees पर मंथ, विच इज अफोर्डेबल, क्वाइट अफोर्डेबल, एंड इट विल एनहांस योर परफॉर्मेंस बाय 10-15%। सो इट इज अ सिंसियर रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड दैट यू ऑल मस्ट सब्सक्राइब फॉर अनअकैडमी प्लस, एंड डू रिमेंबर व्हाइल सब्सक्राइबिंग यूज दिस कोड बीदेव। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको 10% तो ऑफ मिल ही जाएगा, लेकिन केवल 10% ऑफ मिलने की बात नहीं है, यू विल एंटर इन माय पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप, जहां मैं डे टू डे बेसिस पर आपकी सारी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकता हूं, देख सकता हूं, आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूं, कहीं कोई लैक्यूना है तो उसको मैं फुलफिल कर सकता हूं, पूरा उसको रेक्टिफाई कर सकता हूं। सो डू रिमेंबर टू यूज दिस कोड बीदेव एंड ट्राई टू सब्सक्राइब one of the course out of these two, either 12 month or 2 years, okay? तो ये limited time period offer है। plus पर कुछ classes हमारी चल ही रही हैं। जो बच्चे NEET 2021 में हैं, उनके लिए ये 2 महीने का कोर्स है, जिसकी costing है 9,000, and again you have to use this code BDEV for subscription। इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको याद रखिए। अंतिम युद्ध बैच ये तो 21 के लिए है। अच्छा, 14 और 15 अगस्त को अनअकैडमी कॉम्बैट हो रहा है, उस कॉम्बैट में सारे बच्चे अपियर होइए, सारे के सारे बच्चे, है ना, सब दिखने चाहिए उसमें। उसमें अपियर होने के लिए भी एनरोलमेंट उसमें फ्री है, कोई एक्स्ट्रा आपको कॉस्ट नहीं देना है उसके लिए। यू जस्ट हैव टू एनरोल योरसेल्फ बाय यूजिंग द कोड बीदेव। अपने आप को एनरोल कर लीजिए, 14 और 15 अगस्त को एग्जाम दीजिए। फैबुलस प्राइजेस तो है ही इसमें। आप देख रहे हैं कि लैपटॉप है आपका, मैकबुक है या आईपैड है या आईफोन है, ये सब अपनी जगह, बट यू विल कम टू नो द एग्जैक्ट स्टैंडिंग, आप अभी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस पेडेस्टल पर हैं, कितने बच्चे आपसे आगे हैं, कितने बच्चे आपसे पीछे हैं, ये सारी बातें आप जान पाएंगे, है ना। तो इसको जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट इज बीदेव, इसे बिल्कुल मत भूलिए, इसको तुरंत प्रभाव से इस्तेमाल कीजिए। And now, in the next 2 minutes, you will receive these notes. अगले 2 मिनट में आप ये नोट्स रिसीव करने वाले हैं। क्लास में बने रहिए, क्योंकि राजपाल लेट्स क्रैक नीट यूजी का चैनल सब्सक्राइब कर लो तुरंत प्रभाव से। लेट्स क्रैक नीट यूजी का चैनल सब्सक्राइब कर लो तुरंत प्रभाव से, और जल्दी से अभी देखो 1 मिनट में नोट्स भेज रहा हूं। अच्छा बच्चों सुनो, जिन जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया है ना, वो सब बच्चे सेशन लाइक कर दें, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया जितनी भी चीजें हमने पढ़ी। इफ दे आर कंप्लीटली क्लियर टू यू, यू मस्ट लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन। इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मीन वाइल मैं आपको भेजता हूं, ये देखिए, ये आपका लेट्स क्रैक नीट यूजी खोला मैंने, ये लेट्स क्रैक नीट यूजी पर एनिमल किंगडम 1.4 को ओपन किया और भेज दिया। अपलोडिंग विल टेक 10 seconds मोर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डन। देख के बताओ भैया, सारे बच्चे देख के बताओ मुझे कि क्या आप लोगों को नोट्स मिल गए हैं। Respond fast. Have you received the notes?
हैव यू ऑल रिसीव्ड द नोट्स? हाँ जी, जवाब दो बेटा, आप लोगों के जवाब चाहिए। रिसीव्ड, शाबाश, वेरी गुड। अभी आप लोगों को करना क्या है, देखिए दो तीन बातों का ध्यान रखिए हमेशा। क्लासेस मिस मत कीजिए, मैं रूटीनली डेली 8 बजे आपसे मिलूंगा। एसेंशियली सारे बच्चे क्लास में आइए 8 बजे, बिल्कुल लेट मत कीजिए, क्योंकि मैं कॉम्प्रेहेंसिवली पूरी बायोलॉजी आप लोगों को कवर करवाने वाला हूँ। और अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो समझ में आती चली जाएगी, है ना। एंड यू कैन शेयर ऑल दीज लिंक्स विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, क्योंकि अगर वो भी पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें उनको भी इन सारे के सारे सेशंस से काफी असिस्टेंस मिलेगा, काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए अब हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, कल मुलाकात करते हैं बेटा 8 बजे, टाटा बाय बाय।